नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। महंगाई के मार से सब परेशान है। पेट्रोल का असर सिर्फ यातायात पर ही नहीं बल्कि आम आदमी से जुड़ी हमारी रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ता है और ये फर्क भुगतना भी हमें ही है। तो चलिए फिर आज इस गणित को समझ ही लेते हैं। पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, हर वो सवाल जो आपके जहन में तो आता है परंतु जवाब कहीं नहीं मिलते, उन्हीं जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। लोकसभा में पूछे सवाल के जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने इसके लिए कोई सिफारिश नहीं की है। मार्च में आई एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे में आते हैं तो पूरे देश में पेट्रोल की कीमत 75 रुपये प्रति लीटर और डीजल 68 रुपये प्रति लीटर हो सकता है। पर जीएसटी काउंसिल में शामिल राज्यों को इस पर आपत्ति है और इसी वजह से यह मामला अटका हुआ है। इस साल जुलाई तक देश में पेट्रोल की कीमतें 66 बार बढ़ी हैं और केवल 6 बार कम की गई हैं। इसी तरह डीजल की कीमतें भी 63 बार बढ़ी हैं और केवल 4 बार कम की गई हैं। देश में कई जगहों पर पेट्रोल का रेट 110 रुपए लीटर से भी ज्यादा हो गया है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच बार बार ये मांग उठती रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। आइए समझते हैं अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे निर्धारित होती है, क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर लाने से कीमतें कम हो पाएंगी और क्या भारत के पड़ोसी देशों में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी तरह बढ़ रही हैं। सबसे पहले समझिए अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे तय होती हैं। जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था, लेकिन 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को ही सौंप दिया। यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करने में अब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा, ये काम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां करती हैं। ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करती है। दूसरा सवाल, क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने से कीमतें कम हो जाएंगी? तो इसी साल मार्च में जारी एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाती है तो देश में पेट्रोल की कीमत 75 और डीजल की 68 रुपए प्रति लीटर हो सकती है। आर्थिक व कारोबारी पत्रकार शिशिर सिन्हा के अनुसार जीएसटी में पेट्रोल व डीजल को लाने में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पूरे देश में टैक्स की एक दर होगी। परिवहन लागत के आधार पर खुदरा कीमतें अलग अलग होंगी, फिर भी इतनी नहीं कि एक ही राज्य में दो शहरों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाए। अब यदि दिल्ली में पेट्रोल पर कुल टैक्स 137% है और जीएसटी की दर 50% रखी जाए तो कीमत 101 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर के बजाय 65 रुपये 71 पैसे हो सकती है। इसी तरह डीजल पर 50% की दर से जीएसटी लगाने पर कीमत 89 रुपये 87 पैसे से घटकर 65 रुपये 93 पैसे हो सकती है। इससे आम लोगों को तो काफी फायदा होगा ही, लेकिन सरकारों की कमाई काफी घट जाएगी और यही वजह है कि जीएसटी को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। तीसरा सवाल आता है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? तो जान लीजिए कि किसी भी सामान या सेवा पर जीएसटी तय करने से पहले यह देखा जाता है कि जीएसटी के पहले की व्यवस्था में उस पर केंद्र और राज्य कुल मिलाकर कितना कर लगा रहे थे, ताकि केंद्र और राज्यों व तीन केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। तकनीकी भाषा में इसे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहते हैं। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लागू करने में यह सबसे बड़ी बाधा है। इसे आसान भाषा में समझिए। 16 जुलाई को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस 41 रुपये थी। इसी पर केंद्र सरकार की ओर से 32 रुपये 90 पैसे की दर से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और दिल्ली सरकार की ओर से 23 रुपये 43 पैसे वेट लगाया गया, मतलब कि कुल टैक्स हुआ 56 रुपये 33 पैसे। बेस प्राइस के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह करीब 137% होता है। डीजल के मामले में यह दर 107% है। अब आरएनआर के हिसाब से चलें तो पेट्रोल व डीजल पर जीएसटी की दर क्रमशः 137 और 107% के आसपास होना चाहिए। अभी जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था में सबसे ऊंची दर 28% है।
अब इसमें सेस भी मिला दें तो ये हो जाएगा 50%। एक रास्ता है, अगर विशेष दर अपनाई जाए या फिर तंबाकू के समान विशेष सेस लगाया जाए तो कुछ हद तक जीएसटी दर मौजूदा दर के आसपास हो सकती है, लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं दूसरी ओर कमाई के आंकड़े को देखें तो समझ में आ जाएगा कि क्यों केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू करने की सहमति नहीं बना रही हैं। इसी सप्ताह लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि पहले 3 महीने में पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के जरिए 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। दूसरी ओर पीपीएसी यानी कि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़े बताते हैं कि 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान राज्यों व सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। स्पष्ट है केंद्र व राज्य सरकारें अपनी कमाई के स्रोत में कोई बदलाव नहीं चाहेंगी। चौथा सवाल, पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह क्या है? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे सरकारी टैक्स ही सबसे बड़ी वजह है। अभी पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस करीब 40 रुपए है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगने वाले टैक्स से इनकी कीमतें देश के कई हिस्सों में 110 रुपए के पार हो गई हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है, इसके बाद राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती हैं। इससे पेट्रोल डीजल का दाम बेस प्राइस से 3 गुना तक बढ़ गया है। भारत में पेट्रोल पर 55 और डीजल पर 44 रुपए से भी ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। पांचवा सवाल, हर राज्य में कीमतें अलग अलग क्यों होती हैं? पेट्रोल डीजल पर राज्य भी टैक्स लगाते हैं, हर राज्य में ये टैक्स अलग अलग होता है, इसी वजह से हर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी अलग अलग होती हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए, दिल्ली पेट्रोल पर 30% वैट लगाता है और उत्तराखंड 25%, यानी कि दिल्ली के मुकाबले उत्तराखंड में आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा। इसी तरह हर राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स की रेट अलग अलग होती है। छठा सवाल, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने से राज्यों को क्या नुकसान क्या फायदा? SBI की इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र को होता है। महाराष्ट्र के राजस्व में 10,424 करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। इसके अलावा राजस्थान की 6,388 करोड़ और मध्य प्रदेश की 5,490 करोड़ रुपए की कमाई कम हो सकती है। वहीं कुछ राज्यों को इससे फायदा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के राजस्व में 2,419 करोड़, हरियाणा के राजस्व में 1,832 करोड़, पश्चिम बंगाल के राजस्व में 1,746 करोड़ और बिहार के राजस्व में 772 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद वित्त वर्ष 2014 व 15 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी से 1,72,00,000 रुपए की कमाई हुई थी। 2020-21 में यह आंकड़ा 4,54,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी सिर्फ 6 सालों में ही एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई 3 गुना के करीब बढ़ गई। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।